Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good and I welcome you all back to our channel In the Sinuses. So basically we were in between a chapter named as Cell Cycle and Cell Division. हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम था Cell Cycle and Cell Division and we have already made two videos on this chapter. हमने इस चैप्टर पे पहले भी दो वीडियोस बना रखे हैं. So उन वीडियोस को ज़रूर देखें, वहाँ से हम लोगों ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे. So in our first video हमने क्या क्या डिस्कस किया था पहले वीडियो में हमारे. इन आर फर्स्ट वीडियो वी डिस्कस्ड व्हाट इज सेल डिवीजन, व्हाट इज सेल साइकिल. सेल डिवीजन क्या होता है? सेल डिवीजन दैट इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल. यानी सेल डिवीजन एक प्रोसेस होता है जिससे एक नए सेल का फॉर्मेशन होता है. कहाँ से? एक पुराने सेल जो प्रेजेंट है उससे, यानी एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं लैटिन में, ओमनी सेलुला ई सेलुला. किसका स्टेटमेंट था ये? ये था एक स्टेटमेंट एक साइंटिस्ट का जिनका नाम था रोडोल्फ विचोफ, जिन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने दी थी सेल लिंकेज थ्योरी. ये तो हो गया सेल डिवीजन. फिर हमने पढ़ा क्या? सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल होता है ऑल द सिक्वेंशियल इवेंट्स इंक्लूडिंग फ्रॉम सेल ग्रोथ, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए जिसे हम लोग बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, एंड सिंथेसिस ऑफ ऑल दोज थिंग्स विच विल हेल्प इन सेल डिवीजन. ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस प्रोसेस विच आर हैपनिंग इन अ साइक्लिक एंड एन ऑर्डरली मैनर, दीज प्रोसेस आर इंक्लूडेड इन सेल साइकिल. ये सभी प्रोसेस सेल ग्रोथ, डीएनए रेप्लिकेशन, कई चीज़ों की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस जो सेल डिवीजन में वहाँ हेल्प करेगा, ये सभी इवेंट्स हमारे कैसे होते हैं? एक साइक्लिक मैनर में होते हैं, एक ऑर्डरली मैनर में होते हैं. इन सभी इवेंट्स को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं? सेल साइकिल. देन वी स्टडीड फेजेज ऑफ सेल साइकिल. क्या क्या फेज होते हैं सेल साइकिल में? हमने डिवीजन किया था सेल साइकिल को दो पार्ट्स में. पहला पार्ट था हमारा इंटरफेज, सेकेंड पार्ट था हमारा डिवीजन फेज, जिसे हम लोग एम फेज भी बोलते हैं. इंटरफेज में हमने फर्दर देखा G1S G2 फेज होता है. डिवीजन फेज में हमारे पास दो टाइप की चीज़ें थी, मियोसिस एंड माइटोसिस. माइटोसिस और मियोसिस, पहले माइटोसिस आया फिर मियोसिस. फिर इंटरफेज पे हमारा जो सेकंड वीडियो था वो किस पे था? इंटरफेज पे था. इंटरफेज में हमने देखा कि क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होते हैं, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज एंड G0 स्टेज. तो वहाँ पे भी बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे कि कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट स्टेज होता है, किस स्टेज में सेल का ग्रोथ सबसे ज़्यादा होता है. जैसे याद होगा, अगर वीडियो देखा होगा आप लोगों ने पहले, सबसे ज़्यादा ग्रोथ होता है सेल का G1 स्टेज में. डीएनए सिंथेसिस कौन से स्टेज में होता है? एस फेज में होता है, जिसे हम लोग सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा होता है. ये बात हुई हमारी सेकंड वीडियो में इंटरफेस पे. आज के वीडियो में या आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोस में हमारा फोकस रहेगा डिवीजन फेज को पढ़ने के लिए, यानी फेजेस ऑफ सेल साइकिल, इंटरफेस एंड डिवीजन फेज. इंटरफेस हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया. आज के वीडियो से लेके आने वाले सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में हमारा फोकस रहेगा डिवीजन फेज पे. तो याद होगा हमने पास माइटोसिस में दो टर्म्स आए थे हमारे पास. माइटोसिस में दो टर्म्स हमारे सामने आए थे. पहला टर्म था कैरियोकाइनेसिस, पहला टर्म था हमारे सामने कैरियोकाइनेसिस. एंड सेकंड टर्म था हमारे पास साइटोकाइनेसिस. यही दो इवेंट्स मिला के हमारे क्या बनाते हैं? डिवीजन फेज बनाते हैं, यानी जब एक्चुअल में सेल का डिवीजन हो रहा होगा. इंटरफेज में तो सेल बस खुद को प्रिपेयर कर रहा था डिवीजन कराने के लिए, बट कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से मिला के हमारा क्या होगा? अब डिवीजन फेज इंक्लूड होगा. देखते हैं ये फेजेस क्या हैं. कैरियोकाइनेसिस क्या होता है? यहाँ पर किस चीज़ का सेपरेशन होता है? पहले भी मैंने एक बार बताया है, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस, काइनेसिस मीन्स किसी भी चीज़ का डिवीजन, साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मीन्स उसका डिवीजन. यहाँ पे किसका डिवीजन होगा? कैरियो मीन्स न्यूक्लियस होता है, तो यहाँ न्यूक्लियस का डिवीजन होगा. साइटो मीन्स साइटोप्लाज्म, तो यहाँ पे किसका होगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होगा. कैरियोकाइनेसिस अगर हम डेफिनेशन वाइज लिखना चाहें तो ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोजोम इंटू टू डॉटर न्यूक्लियाई. अभी हम लोग डायग्राम से भी देखेंगे क्या चीज़ है. सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम इंटू टू डॉटर न्यूक्लियाई. डॉटर क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं. क्रोमोसोम प्रेजेंट कहाँ होता है? बेसिकली क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट होता है.
और कहाँ होता है, न्यूक्लियर क्रोमोसोम भी होता है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। डॉटर क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं दो डॉटर न्यूक्लियाई में, यानी क्रोमोसोम का डिवीजन होता है, साथ ही साथ न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है। न्यूक्लियस का डिवीजन होने की वजह से क्रोमोसोम का भी डिवीजन होता है। डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? साइटोकाइनेसिस का अगर हम लोग डेफिनेशन देखना चाहें तो इसे ऐसे बोल सकते हैं, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेपरेशन ऑफ टू डॉटर न्यूक्लियाई इंटू टू डॉटर सेल। क्या बोलेंगे? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म इंटू टू डॉटर इंटू टू डॉटर सेल्स। सेपरेशन यहाँ पे किसका होता है? साइटोप्लाज्म का डिवीजन के साथ ही साथ किसका सेपरेशन होता है? यहाँ पे न्यूक्लियस का सेपरेशन होता है। और ये दोनों न्यूक्लियस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? ये दोनों न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाते हैं दो डॉटर सेल्स में। अब देखते हैं हम लोग इसका डायग्राम कैसा होता है। डायग्राम हम दिखाना चाहें तो ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है। थोड़ी देर बाद क्या होगा? सेल में ग्रोथ होगी, यानी सेल इंटरफेस के थ्रू पास करेगा। इंटरफेस के बाद धीरे धीरे सेल का न्यूक्लियस डिवाइड करना स्टार्ट होगा, यानी एक न्यूक्लियस से अब क्या हो गए? दो न्यूक्लियस हो गए। तो ये प्रोसेस हमारा क्या था? ये प्रोसेस हमारा था कैरियोकाइनेसिस, सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के सेपरेशन से क्या हुआ? क्रोमोसोम का भी सेपरेशन हुआ। इसीलिए यहाँ पे क्या बोला गया? सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई। अब क्या हो गया? हमारा न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया, यानी कैरियोकाइनेसिस हो गया। आगे क्या होगा? अब इस सेल में कुछ ऐसे फरो टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा, यानी क्या हो रहा है? अब ये सेल अब डिवाइड करने लगा। ये कोई सेल था, अब ये सेल धीरे धीरे फरो बनने लगा, धीरे धीरे फरो अंदर की तरफ बनने लगा। अब साइटोप्लाज्म डिवाइड होना स्टार्ट हो गया, यानी साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो गया है। फिर कुछ स्टेज के बाद ये क्या बना लेगा? दो नए सेल्स बना लेंगे, दो डॉटर सेल्स बना लेंगे। दोनों डॉटर सेल्स के पास अब अपना अपना न्यूक्लियस होगा, यानी वापस से ये स्टेज आ गया। फिर ये सेल अपना डिवीजन करना शो कर देगा, ये सेल अपना डिवीजन करने लगेगा। क्या हुआ यहाँ पे? एक सेल से दो सेल्स बने। पहला प्रोसेस क्या था? सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम इनटू टू डॉटर न्यूक्लियाई, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियोकाइनेसिस। सेकेंड स्टेप क्या था? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस इनटू टू डॉटर सेल्स। साइटोप्लाज्म का डिवीजन के साथ ही साथ क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, उसी के साथ न्यूक्लियस भी सेपरेट हो गया। पहले तो क्या था? एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस थे, बट अब क्या हो गया? सेपरेशन ऑफ न्यूक्लियस भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये चीज़ें हम लोग इतनी डिटेल में क्यों पढ़ें? इसको डिटेल में पढ़ने का ये रीज़न है, सो दैट इफ़ एनी वन ऑफ यू हु इज़ स्टडिंग इन क्लास 11th, कोई ऐसा भी स्टूडेंट होगा जो कि पहली बार पढ़ रहा होगा, क्लास 11th में होगा, उसको भी ये चीज़ें क्लियर हो। बाकी जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन्होंने ये टर्म्स से काफ़ी बार फेमिलियर होंगे, क्योंकि 11th 12th उन्होंने पढ़ रखा है। ये टर्म्स हमारे सिलेबस में कई बार आए होंगे, तो वो इन टर्म्स से फेमिलियर होंगे। बट जो फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहा है, उन्हें भी क्लियर ये चीज़ें होनी चाहिए। फिर ये तो हो गया कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। देन हमारे पास सेल डिवीजन तीन टाइप्स के थे, हमारे पास सेल डिवीजन थ्री टाइप्स के थे। जब हमने फेजेस ऑफ सेल साइकिल पढ़ाए थे तो वहाँ पे मैंने दो ही टाइप बताया था, क्योंकि जो थर्ड टाइप है वो हमारा प्रिमिटिव टाइप है। देखते हैं क्या क्या तीन टाइप के सेल डिवीजन थे। पहला हमारा था माइटोसिस, जिसे हम लोग और किस नाम से जानते थे? इसे हम लोग बोलते थे इक्वेशनल डिवीजन। सेकंड क्या था हमारे पास? मियोसिस। सेकंड डिवीजन हमारे पास किस टाइप का था? मियोसिस। इसे हम लोग क्या बोलते थे, याद होगा तो वहां पे भी मैंने एक्सप्लेन किया था, इसे हम लोग बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन, रिडक्शन डिवीजन। थर्ड टाइप है हमारा ए माइटोसिस।
ये माइटोसिस बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, इसे प्रिमिटिव माइटोसिस बोलते हैं। क्या तीन टाइप्स के हमारे पास डिवीजन हुए सेल डिवीजन, यानी डिवीजन फेज में हमारे तीन तरह से सेल डिवाइड कर सकते हैं। माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन, यानी कि जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर डिवीजन के बाद भी डॉटर में भी डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम नंबर क्या होगा, सेम होगा। मियोसिस, मियोसिस याद होगा कहाँ होता है, मियोसिस होता है हमारे जर्म सेल्स में, यानी गोनेट्स के सेल्स में, टेस्टिस और ओवरीज के सेल्स में। मियोसिस क्यों होता है, ताकि वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो सके, आगे चल के गैमेट्स जब बनेंगे वहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ में रिड्यूस हो जाता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन। थर्ड टाइप आया जो कि सिंपल टाइप ऑफ डिवीजन है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव माइटोसिस, यानी एक तरह का माइटोसिस ही है लेकिन प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे ईजी है उसे पढ़ लेते हैं, यानी इस वीडियो में हमारा फोकस रहेगा ए माइटोसिस को जानने में, फिर आगे वाले वीडियोस में आने के सब्सिक्वेंट वीडियोस में हमारा फोकस रहेगा माइटोसिस देन मियोसिस। इस वीडियो में हमारा मोटो है ये पढ़ना, ए माइटोसिस को डिस्कस करना। सो अब देखते हैं ए माइटोसिस क्या है। सबसे पहले बात करेंगे ए माइटोसिस टर्म किसने दिया था। ए माइटोसिस टर्म जिन साइंटिस्ट ने दिया था उनका नाम था रॉबर्ट रिमेक। क्या नाम था, रॉबर्ट रिमेक। और ए माइटोसिस पे जिन्होंने डिटेल स्टडी की थी, ए माइटोसिस पे डिटेल स्टडी उनका नाम था फ्लेमिंग। फ्लेमिंग वही साइंटिस्ट जिन्होंने माइटोसिस पे भी वर्क किया था, उन्होंने ही क्या किया था, ए माइटोसिस पे भी उन्होंने ही वर्क किया था। क्या नाम था, फ्लेमिंग। ए माइटोसिस वैसे बेसिकली तो एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बट एग्जाम्स में क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम में भी देखेंगे किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस ये ज़्यादा होते हैं कि ए माइटोसिस क्या है, हमारे लिए वो उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। ए माइटोसिस डिवीजन कहाँ कहाँ होता है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए वो चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यानी ए माइटोसिस के बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि वी आर स्टडिंग इट इन डिटेल, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि ए माइटोसिस कहाँ कहाँ पर होता है, उन चीज़ों को भी देखेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, अगर ए माइटोसिस हमें डिफाइन करना हो क्या, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इट इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन। सबसे पुराने टाइप का सेल डिवीजन क्या है, ए माइटोसिस ही है। इट इज मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन। मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन। फिर देखते हैं यहाँ पे क्या क्या इवेंट्स होते हैं, यानी ए माइटोसिस में बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, माइटोसिस से इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि माइटोसिस में क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ए माइटोसिस प्रिमिटिव टाइप का चीज़ है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें वैसी नहीं होंगी जो माइटोसिस में होती हैं, उन चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम नहीं होता है, क्रोमोसोम यहाँ पे कंडेंस नहीं होता, यानी डीएनए हमारा क्रोमैटिन थ्रेड में के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इस डीएनए का डिवीजन के टाइम पे ऐसा कुछ कंडेंसेशन नहीं होता है। ये क्या है, ये भी डीएनए है जिसे हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड, ये क्या है, क्रोमोसोम। ये भी डीएनए, बट ये जो स्ट्रक्चर बनता है इसी के कंडेंसेशन से ही बनता है। ऐसा कोई इवेंट ए माइटोसिस में नहीं होता है, ऐसा कोई भी इवेंट ए माइटोसिस में नहीं होता है। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर लिया माइटोसिस और मियोसिस से, किसको डिफरेंशिएट कर लिया, ए माइटोसिस को। तो पहला पॉइंट हमें क्या मिला, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम डू नॉट अकर इन ए माइटोसिस। यहां पे क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं होता है। फिर क्रोमोसोम यहां पे विजिबल भी नहीं होते हैं, जैसे माइटोसिस या मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम हमारे पास डिवीजन के टाइम पे विजिबल होते हैं। क्यों, पता होगा मेटाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम की स्टडी सबसे अच्छे से की जा सकती है, इसका मतलब क्रोमोसोम वहां पे विजिबल है। बट ए माइटोसिस में क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल इन ए माइटोसिस, क्रोमोसोम्स आर नॉट विजिबल इन ए माइटोसिस।
ये माइटोसिस में क्रोमोसोम्स हमारे सामने विजिबल ही नहीं होंगे, यानी विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे क्रोमोसोम को रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या आता है, अब क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं हो रहा है तो क्रोमोसोम डिवीजन के लिए हमें स्पिंडल फाइबर्स की भी ज़रूरत नहीं होगी। स्पिंडल फाइबर्स क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स ये जो क्रोमोसोम है इनसे अटैच होके स्पिंडल फाइबर क्या कराते हैं, इन्हें सेपरेट करा देते हैं। बट सिंस ये क्रोमोसोम इज़ नॉट गेटिंग कंडेंस, यहाँ पे क्रोमोसोम कंडेंस ही नहीं हो रहा है तो स्पिंडल फाइबर की भी ज़रूरत नहीं है। यानी कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा होता है, ये हमारा क्रोमोसोम है, स्पिंडल फाइबर यहाँ से अटैच होता है, यहाँ से अटैच होता है, फिर इन्हें क्या करता है वो सेपरेट कराता है। लेकिन कब कराता है, जब डीएनए हमारा क्रोमोसोम के फॉर्म में कंडेंस्ड हो चुका है। बट ए माइटोसिस प्रिमिटिव टाइप ऑफ माइटोसिस है, यहाँ पे क्या होता है क्रोमोसोम का कंडेंसेशन ही नहीं हुआ तो यहाँ पे स्पिंडल फाइबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, स्पिंडल इज नॉट फॉर्म्ड। स्पिंडल का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है, रीज़न बताया मैंने, क्योंकि क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं होता है। फिर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्ट, इसका मतलब क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्ट। यानी कि यहाँ पे न्यूक्लियस सीधे सीधे डिवाइड कर जाता है, वो किसी भी फेज के थ्रू नहीं पास करता है, जैसे माइटोसिस या मियोसिस में होता है, प्रोफेज वन, मियोसिस में होता है प्रोफेज वन, मेटाफेज वन, एनाफेज वन, टीलोफेज वन, माइटोसिस में क्या होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। यहाँ पे लेकिन ऐसा कोई भी फेज नहीं होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन डायरेक्टली हो जाता है विदाउट सिक्वेंशियल साइकिल, यानी ये जो सिक्वेंस साइकिल हमारे चलते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसा कोई इवेंट वहाँ नहीं होता, सीधे सीधे न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है। तो इसे हम लोग बोलते हैं विदाउट सिक्वेंशियल चेंज। ये जो डिवीजन हुआ हमारा ये कैसा हुआ, विदाउट सिक्वेंशियल चेंज। ये इवेंट्स हमारे विदाउट सिक्वेंशियल चेंज हुए, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का प्रोफेज नहीं हुआ, मेटाफेज नहीं हुआ, एनाफेज नहीं हुआ, टीलोफेज नहीं हुआ, ये इवेंट्स यहाँ पे नहीं हुए। देन नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन साइमल्टेनियसली होता है। इसे समझने के लिए हम लोग डायग्राम देखते हैं कैसे होता है। थोड़ा देर पहले याद होगा हमने जो डायग्राम बनाया था वो किसका डायग्राम था, वो माइटोसिस का डायग्राम था, एक नॉर्मल सेल कैसे डिवाइड करता है। बट मियोसिस में क्या होता है, ए माइटोसिस में क्या होता है, ए माइटोसिस में क्रोमोसोम का कंडेंसेशन नहीं होता है, इसका मतलब क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ पे टैंगल्ड है, आपस में कैसे उलझे हुए हैं, टैंगल्ड है। अब वहाँ पे याद होगा सबसे पहले क्रोमोसोम्स का क्या हुआ था, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन हुआ होगा न्यूक्लियस के अंदर, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, यानी पहले वहाँ पे कैरियोकाइनेसिस होता है, दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाती है, उसके बाद वहाँ क्या होता है साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोकाइनेसिस के साथ ही साथ साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, यानी दो सेल बन जाते हैं, दोनों के अपने अपने न्यूक्लियस होते हैं। बट ऐसा कोई इवेंट ए माइटोसिस में नहीं होता है। यहाँ पे किस तरह का डिवीजन होता है देखते हैं हम लोग, यहाँ पे विदाउट कैरियोकाइनेसिस क्या होने लगता है, साइटोकाइनेसिस होना स्टार्ट हो जाता है। यानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस यहाँ पे एक साइमल्टेनियस प्रोसेस, एक तरह से फरो बनने लगता है, ये जो फरो हमारा बनता है सेल में जिसे हम क्या बोलते हैं क्लीवेज बन रहा है, ये क्लीवेज क्या है, एक तरह का सेल डिवीजन है, मतलब वैसे तो क्लीवेज हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, बट वहाँ पे चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं। ये कैसा है, क्लीवेज स्ट्रक्चर बन रहा है, यानी शेप बन रहा है एक फरोड जैसा, ये क्या कर रहा है साइटोप्लाज्म को डिवाइड कर रहा है, और साइटोप्लाज्म के डिवीजन के साथ साथ ही क्या हो रहा है हमारा क्रोमोसोम भी डिवाइड हो जा रहा है। यानी नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट डायग्राम देखना चाहें तो ऐसा कुछ होगा, दो सेल्स मिल गए में दोनों के पास अपना अपना क्रोमोसोम्स है, ये क्या हो गया ए माइटोसिस। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म अकर इन अ साइमल्टेनियस मैनर, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस
and cytoplasm is simultaneous, yeah, occur simultaneously. ये इवेंट्स कैसे हुए? साइमल्टेनियसली हुए. यहाँ पे जो डिवीजन होगा, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, वो इक्वल डिवीजन भी हो सकता है या अनइक्वल डिवीजन भी हो सकता है. जैसे माइटोसिस में क्या हुआ, वहाँ पे साइटोप्लाज्म इक्वली डिवाइड हो गए थे. बट यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि दोनों जो सेल्स बने, दोनों जो डॉटर सेल्स बने, वो इक्वल ही हों. यहाँ पे जो डिवीजन होगा वो इक्वल और अनइक्वल दोनों हो सकता है. तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हुआ, डिवीजन में भी इक्वल और अनइक्वल. सेल्स जो बनेंगे, यानी जो डॉटर सेल्स बनेंगी हमारी, वो क्या है, इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती हैं. देन एम टाइम ड्यूरेशन वाइज देखा जाए तो ए माइटोसिस ही हमारा फास्टेस्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन है. यानी बेसिकली ये 20 से 30 मिनट में हो जाता है, 20 टू 30 मिनट्स में ए माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है. फास्टेस्ट सेल डिवीजन ये कैसा है, फास्टेस्ट सेल डिवीजन है. देन कहाँ कहाँ होता है, अब जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ए माइटोसिस कहाँ कहाँ से होता है. मोस्टली तो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी में और भी कई ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है. बट एक्सेप्शन भी होते हैं, यानी यूकैरियोट्स में भी पाया जाता है. देखेंगे हम लोग यूकैरियोट्स में क्या क्या एक्सेप्शन है, कहाँ कहाँ यूकैरियोट्स में पाया जाता है. एग्जाम्पल यूकैरियोट्स का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, यीस्ट में जो बडिंग हो रहा होता है वो भी कैसा होगा, एक ए माइटोसिस टाइप का ही डिवीजन होता है. बेसिकली हम लोग ए माइटोसिस को क्या, बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं. अमीबा में जो डिवीजन होता है बाइनरी फ्यूजन, वो भी क्या है, ए माइटोसिस से ही हो रहा है, यानी लोअर ऑर्गेनिजम्स में हो रहा है, प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स में हो रहा है. बट ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में हो रहा है, यूकैरियोट्स में भी ए माइटोसिस देखा जाता है. तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट हमारा रहेगा, इट इज़ फाउंड इन प्रोकैरियोट्स बट एक्सेप्शनली इन यूकैरियोट्स, मोस्टली इन prokaryotes. But exceptionally eukaryotes. Prokaryotes का example हमने क्या बताया अभी, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल हमने डिस्कस किया है, ये होता है BGA, यानी ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्लू ग्रीन एल्गी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में. एक क्वेश्चन तो यही है कि अर्थ पे पहला O2 इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म कौन था, अर्थ पे फर्स्ट O2 इवॉल्विंग ऑर्गेनिजम्स ब्लू ग्रीन एल्गी थे. एल्गी नहीं होते हैं ये, बैक्टीरिया होते हैं. पढ़ा होगा पहले से तो पता होगा, नाम से लगता है क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, लेकिन ये एल्गी नहीं है. एक टाइप के बैक्टीरिया जिन्होंने अर्थ पे फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन रिलीज करना स्टार्ट हुआ था. यानी इनके आने से पहले क्या था, अर्थ पे रिड्यूसिंग इन्वायरमेंट था. इनके आने के बाद क्या हुआ, अर्थ पे ऑक्सीडाइजिंग इन्वायरमेंट बनना स्टार्ट हो गया. एक्सेप्शनली इन यूकैरियोट्स, एग्जांपल क्या है, यीस्ट. यीस्ट में क्या होता है, बडिंग होता है. बडिंग यीस्ट में क्या है, एक तरह का ए माइटोसिस डिवीजन है. बडिंग अकर बाई ए माइटोसिस, बडिंग अकर बाई ए माइटोसिस. फिर बात किया हमने क्या, अमीबा में जो डिवीजन होता है वो भी कैसा होता है, ए माइटोसिस होता है इन अमीबा. अमीबा में क्या होता है, ए माइटोसिस होता है. फिर एग्जांपल, एक अच्छा एग्जांपल एग्जाम में आता है कि हमारे जो सेल ऑर्गेनेल्स है, जैसे क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डिवाइड करते हैं. इन दोनों को हम लोग सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल भी बोलते हैं. ये दोनों सेल ऑर्गेनेल कैसे डिवाइड करते हैं, ये दोनों सेल ऑर्गेनेल भी ए माइटोसिस के थ्रू ही डिवाइड करते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डिवाइड बाई ए माइटोसिस.
माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट कैसे डिवाइड करते हैं, ये माइटोसिस से डिवाइड करते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स भी बोलते हैं। इन पे हमारा अलग से वीडियो है, क्लोरोप्लास्ट पे हमारा एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो है किस चैप्टर में, फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में, आपको हमारे चैनल पे वो वीडियो भी मिल जाएगा। अगर फोटोसिंथेसिस पढ़ना हो या क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन लेना हो तो उन वीडियोस को भी बिल्कुल देखें आप लोग। देन नेक्स्ट क्या हमारा और कहाँ पर माइटोसिस होता है, हमें पता है मैमेलियन ग्रोथ में जो फीटल मेम्ब्रेन्स होते हैं, नाम सुना होगा एमनियन, कोरियन, यॉक्सैक, एलेंटोइस, ये सब क्या है, जब मैमेलियन का ग्रोथ होता है, मैमल्स का ग्रोथ होता है, जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस, इनका जब मेम्ब्रेन्स का ग्रोथ होता है तो फोलियस बनते हैं, एमनियन, कोरियन, यॉक्सैक, एलेंटोइस, इनका भी डिवीजन कैसे होता है, ए माइटोसिस के थ्रू ही होता है, डिवीजन ऑफ मैमेलियन ग्रोथ या ग्रोथ ऑफ मैमेलियन क्या नाम है इनका, इन लेयर्स का, इनका नाम है एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस एंड यॉक्सैक। जब हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो इन चारों लेयर के बारे में डिटेल में देखेंगे, इनका फंक्शन क्या होता है, डायग्राम देखेंगे, बट यहाँ पे हमें क्या जानना है, इनके अंदर भी जो डिवीजन होता है वो भी किस टाइप का डिवीजन होता है, ए माइटोसिस टाइप का डिवीजन होता है। इससे ज़्यादा हमारे लिए एग्जाम में माइटोसिस पे, ए माइटोसिस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इन चीज़ों को पढ़ लें ये हमारे लिए इनफ होगा, मोर देन इनफ है कि एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन ए माइटोसिस पे नहीं आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम लोग कुछ बातें करेंगे किस पे, कि सेल कैसे डिवाइड होता है, सेल को डिवीजन की ज़रूरत क्या पड़ी, उन चीज़ों को देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वीडियो के आगे हम लोग देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सो अब देखते हैं हम लोग आगे कि सेल डिवाइड क्यों करते हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें रीज़न जानना ज़रूरी है कि सेल डिवाइड क्यों करते हैं, क्यों कोई सेल नया डिवीजन शो करता है, पुराने सेल से काम क्यों चला लेता है, दो डॉटर सेल्स क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है कि ऐसे कंडीशन, क्या कंडीशन ऐसे अराइज होते हैं, यानी कि जब सेल को डिवीजन शो करना पड़ता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये भी हमारे लिए समझने के लिए। एक अच्छा सा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं यहाँ पे, दो थ्योरी दी गई थी कि सेल डिवाइड क्यों करते हैं। तो पहली थ्योरी का नाम है हमारे सामने, जिसे हम बोलते हैं कर्न प्लास्म थ्योरी, कर्न प्लास्म थ्योरी। पहली थ्योरी क्या है हमारे सामने, जिसे बोलते हैं कर्न प्लास्म थ्योरी। सेकंड थ्योरी है हमारे पास सरफेस वॉल्यूम रेशियो, कर्न प्लास्म थ्योरी एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो। देखेंगे दोनों चीज़ क्या है, लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दोनों को देने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पे, ताकि रटने की जरूरत ना पड़े हमें, वीडियो देखें हमें पता चल जाए कि सेल डिवाइड क्यों करते हैं। तो क्वेश्चन क्या था हमारे, व्हाई डू सेल्स डिवाइड, क्वेश्चन क्या था हमारे सामने, व्हाई डू सेल्स डिवाइड, सेल्स डिवाइड क्यों होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेल डिवीजन का डायग्राम देख लेते हैं कि सेल डिवाइड कैसे हो रहे हैं। ये कोई सेल है, सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, सेल का न्यूक्लियस प्रेजेंट है, धीरे धीरे सेल किस स्टेज के थ्रू पास होगा, सेल पास होगा इंटरफेज स्टेज के थ्रू, यानी जी1 एस जी2 के थ्रू। इन फेजेस में क्या होता है, सेल का ग्रोथ हो रहा होगा, यानी सेल अब क्या करेगा, साइज में ग्रो करेगा, सेल क्या किया, साइज में ग्रो करा, सेल का साइटोप्लाज्म इंक्रीज हुआ, यानी कि बट आफ्टर सम टाइम सेल डिवाइड करेगा, यानी दो डॉटर सेल्स बनाएगी, डॉटर सेल्स बने तो दो वापस से स्मॉल सेल्स हमारे सामने आ गए, दो स्मॉल सेल्स हमारे सामने वापस से आ गए। अब ये जो दो डॉटर सेल्स बनी हमारे सामने, फिर ये सेल्स क्या करेंगे, इंटरफेस के थ्रू पास होंगे, यानी इन सेल्स में वापस से क्या होगा, ग्रोथ होगा, ये सेल इंटरफेस के थ्रू पास किए तो ये सेल्स क्या हुआ, वापस से सेल में ग्रोथ हुआ, सेल में ग्रोथ हुआ तो अब फिर से डिवाइड कर रहे हैं। बट सेल ग्रोथ होने से ऐसा क्या हो रहा है कि सेल को डिवाइड करना पड़ रहा है, सेल ग्रोथ होने से ऐसा क्या प्रोसेस हो रहा है कि सेल को डिवाइड करना पड़ रहा है, यही हमारा एक्सप्लेन करेगा कर्न प्लाज्म थ्योरी,
क्या थ्योरी का नाम है, कर्न प्लाज्म थ्योरी। कर्न प्लाज्म थ्योरी कहता है ये कौन सा डिवीजन रहा, माइटोसिस डिवीजन होता है। ये थ्योरी कह रहा है माइटोसिस ऑकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। माइटोसिस अकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। नाम से समझ आ रहा है कैरियोप्लाज्मिक, कैरियो मीन्स मैंने बताया क्या होता है, न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस से रिलेटेड कोई एक वैल्यू है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स जिसे हम बोलते हैं। उस रेशियो में डिफरेंस आने से क्या हो रहा है, ये सेल को डिवाइड करना पड़ रहा है। तो रीजन देखते हम लोग, माइटोसिस अकर ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, इसे हम लोग बोलते हैं KIP बोलते हैं। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या है, एक वैल्यू है, किस चीज़ के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, यानी होता है KI इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ सेल। किसके किसके बीच का ये वैल्यू है, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस और वॉल्यूम ऑफ सेल बोले, या वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म भी बोल सकते हैं हम लोग इसे। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को हमने रिप्रेजेंट किया VN से, और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि सेल में से न्यूक्लियस हटा दिए तो क्या बचा, साइटोप्लाज्म बचा, यानी एक सेल है, सेल का न्यूक्लियस हम लोग हटा दिए तो बचा क्या हमारे सामने, सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म। तो वॉल्यूम ऑफ सेल माइनस वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म, VN यानी वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, VC यानी वॉल्यूम ऑफ सेल, एंड वी साइटो मीन्स वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पे हम लोग एक इन्फरेंस निकाल सकते हैं कि एक स्मॉल सेल और एक लार्ज सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स का रिलेशन क्या होगा। KI ऑफ स्मॉल सेल एंड KI ऑफ लार्ज सेल। KI क्या है हमारा, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, और KI ऑफ लार्ज सेल और KI ऑफ स्मॉल सेल हम लोग देखेंगे। तो हमें पता है स्मॉल सेल का क्या होगा, स्मॉल सेल में साइटोप्लाज्म कम होगा यानी ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू कम है, तो KI क्या होगा, ज़्यादा होगा, यानी ये वैल्यू कम है तो ये वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये दोनों वैल्यूज़। तो स्मॉल सेल का KI क्या होगा, हाई होगा, ज़्यादा होगा, और लार्ज सेल में जब साइटोप्लाज्म बढ़ गया यानी ये वैल्यू बढ़ गई तो अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने की वजह से क्या है, KI अब कम होगा। लार्ज सेल में KI इज लो, लार्ज सेल का KI लो है, स्मॉल सेल का क्या है, KI हाई है। बस इसी के साथ हमारा क्या होता है, ये एक्सप्लेनेशन अब हमें बहुत ईजी हो जाएगा हमें समझने के लिए, क्यों हमने सभी कुछ डिटेल्स यानी थोड़ी मैथमेटिकल वैल्यू कुछ रिलेशन लगा के डिटेल समझ लिए। अब क्या है, हमें पता है कि सेल का जो भी एक्टिविटी होती है, सेल का जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा था, वो कौन कंट्रोल करता है, वो कंट्रोल करता है सेल का न्यूक्लियस। सेल की जो भी एक्टिविटी हो रही होती है वो कौन कंट्रोल कर रहा था, सेल का न्यूक्लियस। बट एक स्मॉल सेल में न्यूक्लियस क्या करता है, उस सेल के सभी एक्टिविटी को इफ़िशियंटली कंट्रोल कर सकता है। क्यों, क्योंकि स्मॉल सेल का कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स हाई है, यानी स्मॉल सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म कम है, न्यूक्लियस सभी पूरे सेल को कंट्रोल कर सकता है। बट एक लार्ज सेल में क्या हो रहा है, उसका साइटोप्लाज्म बढ़ जा रहा है, यानी उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स क्या हो जा रही है, लो हो जा रही है। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो होने की वजह से क्या हो रहा है, वो सेल उसके सभी एक्टिविटीज़ को इफ़िशियंटली कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इस वजह से इस सेल को क्या करना हो गया, डिवाइड करना पड़ गया। वापस स्मॉल सेल थी, वो स्मॉल सेल न्यूक्लियस कंट्रोल कर सकता था, बट सेल किस में है, इंटरफेज में है, यानी सेल में ग्रोथ हो रहा है, ग्रोथ होने के साथ साथ साइटोप्लाज्म बढ़ा, अब सेल के लिए क्या हो गया, इसको कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो गया वापस से, यानी कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स, लार्ज सेल बना तो कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स उसका लो हो गया,
कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स लो होने से सेल को वापस से डिवाइड करना पड़ गया। बहुत ही सिंपल सी चीज़ थी, लॉजिकली समझाने की कोशिश की मैंने यहाँ पे ताकि रटना ना पड़े। कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ध्यान देना है क्या होता है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म। स्मॉल सेल का के आई ज़्यादा होता है, लार्ज सेल का के आई कम होता है। तो रीज़न क्या होगा सेल डिवीजन का, टू अटेन द कंट्रोल ऑफ न्यूक्लियस ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ साइटोप्लाज्म अ सेल डिवाइड्स। सेल क्यों डिवाइड हुआ, टू अटेन द कंट्रोल ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ अ सेल, टू अटेन द कंट्रोल ऑन मेटाबॉलिज्म ऑफ सेल इट डिवाइड्स। सेल ने डिवीजन क्यों शो किया, ताकि वो वापस से उसके सेल के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सके, यानी न्यूक्लियस वापस से उसके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल कर सके, उसका कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स यानी वापस से बढ़ा सके। स्मॉल सेल में क्या था, कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स ज़्यादा था। ये है गई हमारी फर्स्ट थियोरी। सेकेंड थियोरी क्या है, सेकेंड थियोरी है सरफेस वॉल्यूम रेशियो। सेकेंड थियोरी क्या है, सरफेस वॉल्यूम रेशियो। अब सेल में क्या होता है, ग्रोथ होता है इंटरफेस के थ्रू। जब भी कोई सेल पास करता है तो सेल में क्या होता है, ग्रोथ होता है। फिर सेल को अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो कहाँ से विड्रॉ करता है, अपने सरफेस से विड्रॉ करता है, यानी अपने सेल के सरफेस से। सेल क्या करता है, अपने ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जिन भी चीज़ों की ज़रूरत है, सेल कहाँ से विड्रॉ करता है, सेल विड्रॉ करता है इन चीज़ों को अपने सरफेस से। बट जैसे जैसे सेल में ग्रोथ हो रहा है, सेल का वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, सेल का सरफेस एरिया भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे सेल में ग्रोथ हो रहा है, एज सेल इज गेटिंग, सेल इज शोइंग ग्रोथ, इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड ऑल्सो इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेज। बट वॉल्यूम का इंक्रीज यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है इन कंपेरिजन टू सरफेस एरिया, यानी यहाँ पे सेल का वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, सेल का सरफेस एरिया कम इंक्रीज हो रहा है। अब इसको समझाने के लिए हम लोग मैथमेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, सरफेस एरिया होता वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 πr³ होता है। सरफेस एरिया क्या होता है, 4πr² होता है। एक तरफ तो आर क्यूब है, एक तरफ आर स्क्वायर है, ये क्या होता है, रेडियस ही तो है, सेल बढ़ रहा है तो उसका रेडियस ही तो बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम में क्या होता है, ये क्यूब के फॉर्म में बढ़ रहा है। बट सरफेस एरिया में क्या है, ये सरफेस एरिया में क्या है, ये स्क्वायर के वे में बढ़ रहा है। बट वॉल्यूम इसका मतलब ज़्यादा बढ़ रहा है, जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है रेडियस उतना ही बढ़ रहा है, बट वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है और सेल का क्या होता है, सरफेस एरिया कम बढ़ता है। इस वजह से अब क्या है, सेल को जो भी न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, सेल अपने सरफेस से पूरे वॉल्यूम को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, उन न्यूट्रिएंट्स को विड्रॉ नहीं कर पा रहा है। अब क्या करेगा, सेल वापस से डिवीजन करेगा। सेल वापस से डिवीजन किया तो क्या हुआ, वॉल्यूम भी घटा, सरफेस एरिया भी घटा। अब क्या होगा, सेल जिन भी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है, उन चीज़ों को सेल अपने सरफेस से विड्रॉ कर सकता है। यही दो रीज़न था कि सेल अपने आप को डिवीजन क्यों शो करता है, माइटोसिस क्यों शो करता है। अब बहुत लोग सोच रहे होंगे कि मैथमेटिक्स इतना क्यों यूज़ कर रहे हैं। मैथमेटिक्स इसलिए यूज़ किया गया है यहाँ पे इस वीडियो में, ताकि चीज़ें हमें लॉजिकली पता चले कि क्यों कब वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है, सरफेस एरिया ज़्यादा सरफेस एरिया कम क्यों बढ़ रहा है। बोलने को तो मैंने बोल दिया कि वॉल्यूम भी बढ़ता है, सरफेस एरिया भी बढ़ता है, वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ता है बट सरफेस एरिया कम बढ़ता है। लॉजिकली समझे तो क्या था, वॉल्यूम क्या था हमारे पास, 4/3 πr³, यानी क्यूब के फॉर्म में बढ़ रहा था। सरफेस एरिया क्या था, स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रहा था। इस वजह से वॉल्यूम बढ़ने का अमाउंट ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया कम होता है, सेल को चीज़ें विड्रॉ करने में डिफ़िकल्टी होती है। इसी डिफ़िकल्टी को हटाने के लिए सेल वापस से डिवीजन की प्रॉपर्टी शो करता है। सो इसी के साथ हमारा ये दोनों थ्योरी कंप्लीट होता है। क्या क्या चीज़ें पढ़ी हम लोगों ने, कर्न प्लाज्म थ्योरी एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें थी। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने डिवीजन फेज देखा, कैरियोकाइनेसिस देखा, साइटोकाइनेसिस देखा, देन ए माइटोसिस पे डिटेल स्टडी की, सारे क्वेश्चंस देखे एग्जाम में जो जो पॉसिबल चीज़ें हैं, फिर लास्ट में आते हुए हमने वीडियो के एंड में देख लिया माइटोसिस क्यों हो रहा है, कर्न प्लाज्म थ्योरी एंड सरफेस वॉल्यूम रेशियो। नेक्स्ट वीडियो हमारा, यानी अब से जो भी आने वाले वीडियोज होंगे वो हमारे रहेंगे माइटोसिस पे। सो थैंक यू सो मच ऑल।